हेलो वॉचर्स, तो आज की मूवी होने वाली है बहुत ही मस्त, क्योंकि कॉलेज के लड़कों से है एक डॉन की दोस्ती जबरदस्त। लेकिन डॉन तो बहुत सीधा लग रहा है यार, चाहता है बहुत अपने पंटरों को और करता है बहुत प्यार, मगर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है यार। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो नहीं करेंगे बकवास और करेंगे कहानी स्टार्ट, मगर उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर नहीं किया तो मैं भी अपने पंटरों से बस यही कहूँगा। तो होती है कहानी की शुरुआत कॉलेज में पढ़ाई कर रहे तीन दोस्तों के साथ, अज्जू, बिबिन और शांतम। तो कॉलेज में रहकर ढूंढते हैं ये घर, मतलब हॉस्टल, जहाँ वो पढ़ाई के साथ साथ पीते हैं शराब, खाते हैं मुर्गा मसाला और हड्डी। तभी एक दिन उससे मिलने आता है सीनियर कुट्टी। वैसे इसका नाम कुट्टी नहीं बल्कि कुत्ता होना चाहिए, क्योंकि साला सीनियर होकर जूनियर्स को सताता है और रैगिंग करके बहुत परेशान करता है, मगर तीनों ने इनकार कर दिया और हंसकर मजा भी लिया। इसको कुट्टी ने ईगो पे ले लिया, किडनैप किया और जम कर दिया तीनों को मुक्का लात, और कहा तीनों को कि कॉलेज में अगर है रहना तो पड़ेगा हमसे डरना, वरना ऐसे ही कुटाई होगी। तो तीनों वहां से निकल कर गए घर, चाहते हैं तीनों आगे बढ़ना सब कुछ भुलाकर, मगर यार इतनी बेइज्जती मारपीट नहीं भूल पा रहे थे और तन बदन की अग्नि तो भड़क ही चुकी थी, मतलब हमका चाहिए बदला। तो जाने लगे आसपास के बार, करने लगे गैंगस्टर्स से दोस्ती करने की कोशिशें हजार, और कई दिनों बाद मिला रंगा, चेहरा इतना मासूम कि नाम हो गंगा। बट यार मिसअंडरस्टैंड मत करना, इसकी एक चीक पर पूरी की पूरी फौज ही खड़ी हो जाती है, खुद ही देख लो। तो तीनों को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई, गैंगस्टर ढूंढने की कोशिश आखिरकार पूरी हुई, और तो और रंगा भाई को भी हो गया है इन लड़कों से प्यार, अब लगता है लौंडे लेंगे अपना बदला, अब मजा आएगा ना यार। लेकिन इनको भी चुल है जानने की कि रंगा भाई इतना बड़ा आदमी कैसे बना। तो अब रंगा के पंटरों को भी पड़ेगा पूरा फ्लैशबैक सुनाना, तो कहानी कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनना। रंगा अपने कजिन ब्रदर की जूस की दुकान से शुरुआत करता है, जहां उसे बदले में धोखा ही मिलता है। कजिन कॉलेज के पैसों को शेयर मार्केट में लगा देता है, शेयर वैल्यू गिरी तो सारे पैसे गवा देता है, और बेचारा रंगा इसकी वजह से कॉलेज नहीं जा पाता है। मगर इसी बीच रंगा की मुलाकात हो जाती है एक गैंगस्टर से जिसका नाम है रेड्डी। रंगा कोई झगड़ा दुकान पर नहीं चाहता था, इसीलिए तोड़ देता है गुंडों की हड्डी। रेड्डी हो जाता है इम्प्रेस, कर लेता है रंगा को सेलेक्ट, और इधर उस स्टॉक का दाम भी बढ़ जाता है, लगाए हुए पैसों का 40 गुना हो जाता है। मगर साला उसका भाई उन पैसों से एक बंजर जमीन खरीद कर रंगा को दे देता है। आखिर कजिन ब्रदर लोग ऐसा क्यों करते हैं यार। खैर इधर अपने गुरु रेड्डी से अलग होकर रंगा अपना गैंग बनाता है, कई लोगों से रंगा अकेले ही भिड़ जाता है, और तो और सबको मार भी गिराता है। वैसे मन तो कर रहा है यकीन करने का, मगर यार ये कहानी कुछ सोनी सोनी लग रही है, क्योंकि हर मूवी के प्लॉट में जिसमें गैंगस्टर होते हैं सेम ही प्लॉट को दिखाया जाता है। खैर वो फाइट्स में हाथ भी नहीं उठाता है, क्योंकि उसने अपनी मरी हुई माँ को वादा किया था ना कि वो हथियार नहीं उठाएगा। साला कितना फेंक रहे हैं बे, और हम है कि लपेटे जा रहे हैं। जो बंजर जमीन खरीदा था उस पर अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसीलिए रंगा भाई के पास पैसों की कमी नहीं है। जिसके बाद वही कजिन ब्रदर आया हिस्सा मांगने, तो रंगा ने काट कर दफना दिया घर के ही आंगन में। रंगा ने गुस्से में उसको काट दिया, खून के धब्बों को लाल पेंट करके सारे सबूतों को साफ किया। भाई सच सच बताओ, रंगा को देख के ऐसा कुछ नहीं लगता है यार, सीधा साधा तो दिखता है, पतला दुबला सा, हथियार नहीं उठाता है, सोशल मीडिया पर डांस करता है, रील्स बनाता है, अकेले में मजे के साथ डांस करता है, और लॉन्डो के साथ भी खूब मस्ती करता है, और उसके पंटर लोग ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि पूछो ही मत। खैर आप ही की तरह वो तीनों दोस्त भी बोर हो गए थे, मगर बदला लेना है ना तो सुनना पड़ेगा। आगे इतना लड़कों के साथ हो गया रंगा का नाता, कोई उनपे चिल्लाया तो बोतल फोड़ के रंगा ने पीटा। आगे तीनों ने शिकायत की रैगिंग करने वालों की, जाकर रंगा ने इतना पटका कि उल्टी करवा दी सालों की। मतलब यार बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन दिखाई जाती है। जिसके बाद वापस तो आगे बार बार नशे में हॉस्टल पहुंचाने से हो रही थी झंझट, इसीलिए रंगा ने अपना पहला वाला घर दे दिया उनको फटाफट। जिसके बाद एक सुबह नशे में डूबे होने की वजह से बिबिन कॉल नहीं उठाता है, तो रंगा फोन उठाकर उसकी माँ से बतियाता है और मन ही मन मुस्कुराता है।
क्योंकि उन्होंने उसको बेटा कहा था ना, बिबिन का ख्याल रखने को कहा था। तो आगे कॉलेज में आया प्रिंसिपल नया, तीनों को बुलाया और बोला, बेटा अब तू तो गया। मतलब कि उनके नंबर्स तो आए ही नहीं थे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि दिन रात पार्टी कर रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम सब लोगों को रस्टिकेट कर दिया जाएगा, बोरिया बिस्तर उठा के कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर सुधरे नहीं और टेस्ट में पास नहीं हुए तो। तो फट गई तीनों की। सोचने लगे कि भाई से बोले कि अब उनको पढ़ना है, भाई के साथ और पार्टी नहीं करना है। तो शाम को भाई के साथ दम शराट खेलते हैं और सोचते हैं कि भाई को अब चलो बोलते हैं। जहां रंगा भाई इतना गुस्सा हो गया जैसे कि मार ही डालेंगे जो जवाब सही नहीं दिया। उधर रंगा के दो गैंग मेंबर्स गैंग छोड़कर भाग गए थे, तो रंगा गुस्से में बोलता है कि ढूंढ के मार दो सालों को। ये सब सुनकर लड़कों की जान हलक में फंस जाता है और बाद में बीबी सच जानने की कोशिश करता है। उसको वहां पर दीवार पर लाल पेंट दिखता है, किचन का मैट हटाया तो कब्र भी वहां पे दिखाई पड़ता है। अरे भाई, रंगा के भाई की कब्र, हां जी मौसी की टांग, मतलब कि सारी कहानियां सच है, मतलब रंगा ने सच में मर्डर किया है। आगे तीनों की रूम में सोने से भी फटती है, क्योंकि अंदर में तो कब्र है। तो तीनों कभी इधर तो कभी उधर लगे भागने ताकि इनको दोबारा रंगा भाई से ना मिलना पड़े। इसी बीच रेड्डी जो कि रंगा का ही गुरु है, जी हाँ ये कहानी भी सच है, वो इन्हें किडनैप करके अपना कार्ड देता है और कहता है, रंगा की वजह से मेरी आइडेंटिटी चली गई, मेरा रुतबा कम हो गया, अब मुझे कोई नहीं पूछता, इसलिए मैं उसे मार दूंगा, बस तुम मुझे बुला लेना, क्योंकि रंगा का गेम अब अपन बचाएगा। और वो उनको छोड़ देता है, जिसके बाद डर कर तीनों शहर से बाहर चले जाते हैं, दूसरे दोस्तों के पास पहुंचकर एक हफ्ता उधर ही बिताते हैं। इधर रंगा हो जाता है पागल, क्योंकि नहीं मिल रहे थे लड़के, इसीलिए पूरे कुट्टी गैंग को ही देता है फटके ही फटके, क्योंकि रंगा को लगता है उसके दुश्मनों में से किसी एक ने उन्हें उठा लिया है, इसीलिए तो रंगा ने बार बार बीवी को फोन किया है। परेशान होकर बीवी ने फोन उठा लिया, शाम को उसके ही दिए घर में रंगा को बुला लिया। अगली शाम जब बीवी रंगा से मिलता है तो रंगा बहुत ही गुस्सा होता है, मगर बीवी भी बहुत गुस्से में रंगा को सुनाने लगता है, कहता है हम यहाँ पढ़ने आए थे, सीनियर्स ने परेशान किया इसीलिए तुम्हारे पास आए थे, मगर तुम्हारे साथ ने हमें भी खराब किया, हमारी पढ़ाई रुक गई और करियर भी बर्बाद हुआ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। रंगा अंदर से टूट जाता है, तीनों से भाई की तरह प्यार करने पर भी वो वापस धोखा ही खाता है। रंगा ने अपने बाकी साथियों को बुलाने के लिए कॉल किया, तीनों को लगा कि हमें मरवाने के लिए पूरी गैंग को ही बुला लिया, तो डर के मारे तीनों ने रेड्डी को भी बुला लिया। वही रंगा का गुरु रेड्डी के गुंडों को देख रंगा इन तीनों को एक कमरे में लॉक कर देता है, लेकिन बाद में रंगा को पता चलता है कि रेड्डी को इन्होंने ही बुलाया है, जिसके बाद रंगा गुस्से से पागल हो जाता है और सबकी जबरदस्त धुनाई करता है। और भाई साहब, हमें असली वाला रंगा देखने को मिलता है, कैसे रंगा भाई बना था ये भी समझ आता है, जिसके बाद रंगा अपने गुरु रेड्डी को मार गिराता है और तीनों की तरफ हथियार लेकर मारने के लिए दौड़ता है। और हम देख पाते हैं कि रंगा हमेशा अंदर से अकेला महसूस करता था, जिन जिन लोगों को वो चाहता था सभी लोगों ने या तो उसको धोखा दिया था या छोड़कर चले गए थे, इसीलिए रंगा ऐसा बन गया था, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता था, सोशल मीडिया में भी दोस्त चाहता था, जो भी इसके पंटर थे सबके सब पैसे दारू के लिए इसके आसपास थे, वो बहुत रोता है। तभी वहां रंगा के आदमी भी आ जाते हैं। अब तीनों सब तरफ से घिर चुके होते हैं, थोड़ी देर में उनका काम रंगा करने ही वाला होता है तमाम। तभी कॉल आता है माँ का, वो फोन ना चाहते हुए भी रंगा उठा लेता है। तभी माँ बोलती है, बेटा कैसे हो, बीबी का ख्याल रखना, तुम भी खुश रहना और उसको भी खुश रखना। और रंगा का दिल ये सब कुछ सुन के पसीज जाता है और अंदर पहुंचकर वो तीनों को मारता नहीं है, बल्कि कहता है, मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए, तुम सब मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, तुम सब पढ़ाई करने आए थे तो केवल पढ़ाई करो, और अगर फेल हुए तो जान से मार दूंगा तुम लोगों को। जिसके बाद सीधा रिजल्ट्स का दिन दिखाया जाता है, जहां वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि पूरे साल तो वो पार्टी ही करते रहते हैं, और अपने रंगा भाई उन लोगों को छड़ी लेकर मारने को दौड़ाते हैं। और इसी के साथ कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अक्सर जिंदगी में लोग जितने सख्त बाहर से दिखते हैं उतना अंदर से नहीं होते, क्या पता उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या देखा हो। तो गाइस, मिलेंगे ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।